हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिकाज वर्चुअल लाइफ। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों को मैं लेकर आ गई हूँ अपनी बहन के मेहंदी फंक्शन में, जो कि मेरी कज़न सिस्टर है, उसका आज मेहंदी फंक्शन है। और ये जो है, जिनको आप देख रहे हैं, ये ग्रूम है, दूल्हे राजा, जिनको बुआ जी मेरी मेहंदी लगा रही थी, सगुन का मेहंदी। और इधर मेरी बहन की जो सास है, वो उनको लगा रही थी मेहंदी, क्योंकि मेहंदी वाली से पहले कोई घर का मेंबर लगाता है। और यहाँ पे सब लोग बैठ कर लगवा रहे हैं, तो आप लोग भी एंजॉय करिए। ये दुल्हन की चाची, ये दुल्हन की चाची लग रहा है अभी लोग। ब्लॉग में आएंगे हम लोग, हाँ, अपने आप चला जाएगा आप लोगों को मैसेज। देख लीजिए, अच्छा से आ रहा है, एकदम हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये हैं दुल्हन की मम्मी, ये इनकी सासू माँ, ये मौसी सासू माँ, और इधर है दुल्हन की मौसी, और इधर है दुल्हन की वन एंड ओनली बुआ जी। ये सब लोग मेहंदी एंजॉय कर रहे हैं बैठ के, और इधर लग रहा है दूल्हा दुल्हन को मेहंदी। और हमारी जो ब्राइड है, उनको अपने साथ साथ सबका टेंशन है कि सब लगवा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे वो यही पूछ रही थी कि सब लोग लगवा रहे हैं। और इसके बाद है संगीत। यहाँ हम लोग संगीत के लिए रेडी हो चुके हैं। आप लोग मेरा हाथ देख रहे होंगे कि बिल्कुल खाली है, हम मेहंदी नहीं लगवा पाए। मैं आपकी पूरी पूरी शाम की, आज की मैं आपकी, आप सब सबकी, हम सब हो, तो एक बार जोरदार तालियों से सभी देशों का अभिनंदन हो जाए। और यहाँ पे संगीत का फंक्शन हो चुका था स्टार्ट। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, और जो एंकर थी वो भी बहुत अच्छा एंकरिंग कर रही थी, सबको बहुत मज़ा आ रहा था। वो तो आप लोग सबका खिलखिलाता हुआ चेहरा देख रहे होंगे। और यहाँ पे वेट किया जा रहा है ब्राइड और ग्रूम दोनों के एंट्री का। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, तभी आप लोग उन लोगों को भी देख पाएंगे। और ये आगे में खूबसूरत खूबसूरत मेरी दोनों बुआ जी हैं, बीच वाली और सबसे छोटी वाली। सबका तो इन लोगों का खिलखिलाता चेहरा देखिए, कितनी प्यारी लग रही है दोनों। और एंकर भी सेम बात कह रही थी कि आप लोग बहुत प्यारी लग रही है। कॉपीराइट क्लेम के वजह से मैं इसमें सॉन्ग, या फिर वहाँ, क्योंकि वो संगीत का फंक्शन था, वहाँ सॉन्ग प्ले हो रहा था, मैं नहीं डाल पा रही हूँ पूरा सॉन्ग। बट कोशिश करूँगी कि सारा वीडियो अपलोड कर दूँ ये। तो आप लोग एंजॉय करिए, देखिए। एक बार जोरदार
ने प्रकट किया हमारे बीच में। हमारी प्यारी सी दुल्हन इस्लाम की शान सितारिया जो हमारी चांद हमारे बीच में आ रही है, बस तशरीफ रह रही है। हमारी नजरें अभी फुआ जी में टिकी हुई है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम करने से स्टार्ट करने से पहले गणेश भगवान का नाम जरूर लेते हैं हम लोग। तो एक बार और यहाँ चल रहा है माँ बेटी का प्यार, जो कि ये मोमेंट बहुत स्पेशल होता है क्योंकि हर माँ ये ख्वाब देखती है कि उसकी बेटी दुल्हन बनेगी एक दिन। और यहाँ मेरी मम्मी जो कि दुल्हन की मामी है वो, और दुल्हन की मौसी जो कि मेरी बुआ जी हैं, वो दोनों स्टेज पर आ चुकी हैं धमाल मचाने के लिए। और वो दोनों डांस नहीं कर रही थी तो एंकर उन दोनों को खूब सारा डांस करवाई स्टेज पर। तो आप लोग एंजॉय करिए और बने रहिए आगे अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देखने के लिए। ये पूरा परफॉर्मेंस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे जो कि ब्राइड का है, तो आप लोग उसको जाइए और ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि और भी जो डांस है बचे हुए वो मैं सारा अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि आप लोगों के रिस्पॉन्स पे ही ये डिपेंड करता है कि मैं सारे सॉन्ग अपलोड करूँगी या नहीं, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आता है। पर कोई नहीं, आप लोगों के लिए मैं वो भी कर दूँगी, तो आप लोग उसको ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मैं आगे उसको भी अपलोड करूँ। और यहाँ पे दूल्हे राजा का बहुत ही प्यारा सा इनोसेंट सा सिंपल सा डांस परफॉर्मेंस अच्छा लगे। और ये रहा मेरा परफॉर्मेंस, ये भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाइए और सॉन्ग के साथ ये परफॉर्मेंस देखिए जाकर। सॉन्ग बहुत इमोशनल था इसलिए हम दोनों रोने लगे और वहां पे बैठे सारे लोग रोने लगे। तो आप लोग जाइए और जरूर देखिए इस डांस को, बहुत ही इमोशनल परफॉर्मेंस है। और जो भी वहाँ पे फुआ जी थी, मम्मी थी, सब रोने लगी ये डांस देखकर, पूरा माहौल ही इमोशनल हो चुका था। फिर लेकिन भैया उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर दिए क्योंकि वो डांस किए, उसको स्टेज पर लेकर आए, तो सब थोड़ा सा नॉर्मल हो गए।
तो आप लोग एंजॉय कर। और इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ संगीत का पूरा फंक्शन हो गया एंड। वहाँ पे सारा कुछ खत्म हो चुका था सारा फंक्शन, और फिर हम लोग अब नेक्स्ट डे की तैयारी करेंगे जो कि है शादी। तो आप लोग बने रहिए व्लॉग में।